आप सबका स्वागत है आपके अपने विशूस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वो है पनीर लबाबदार। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी टिप आपसे ना छूटे और आप ये बेहतरीन रेसिपी एंजॉय कर सकें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें लेना है 200 ग्राम पनीर और अब हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक, और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम इस पनीर को मैरिनेट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम एक चम्मच तेल और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो पनीर है ना, इसके ऊपर ये सारे मसाले और तेल अच्छे से कोट हो जाए। और अब हम इसको साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें ले लेना है एक पैन और उसमें हम डालेंगे कुछ काजू और इनको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और करीबन एक मिनट तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। फिर इसमें हम डालेंगे एक चम्मच खड़ी धनिया और इन दोनों को हमें हल्का लाल होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर से हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे दो चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा और अब हम इसमें डाल देंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा, सात कलियां लहसुन की और इन सबको हम हल्का लाल होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कप लंबाई में कटा हुआ प्याज। इस प्याज को बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटा है, इसको आप बड़े टुकड़ों में ही काट लेगा। अब हम इसमें डालेंगे दो लाल कश्मीरी खड़ी मिर्च और इन सबको हल्का सुनहरा लाल होने तक हम इसको पका लेंगे, जब तक कि ये प्याज हल्का सुनहरा लाल ना हो जाए इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं प्याज पक चुका है। जब प्याज पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक कप टमाटर। एक कप का मतलब यहाँ पे मैंने चार टमाटर लिए थे। अब इसमें डालेंगे नमक ताकि ये जल्दी पक जाए। जब टमाटर पानी छोड़ देगा और टमाटर भी अच्छे से इस तरीके से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये जो काजू और धनिया हमने स्टार्टिंग में ड्राई रोस्ट किया था ना, वो मिक्स कर देंगे। और जब ये पानी छोड़कर सूख जाएगा इस तरीके से तब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक लेंगे जार और उसमें ये सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने यहाँ लिया है दो चम्मच तेल और दो चम्मच बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे एक तेज पत्ता, दो इलायची और एक दालचीनी की स्टिक। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप महीन कटा हुआ प्याज। इस जगह पे हमें प्याज महीन काटना है। अब इसमें ये सारा पेस्ट हम डाल देंगे। ये प्याज करीबन मैंने सिर्फ एक से डेढ़ मिनट ही पकाया था, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और इन सबको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ये जो ग्रेवी रेडी हो रही है ना, ये इतनी मुलायम, इतनी मक्खन जैसी होती है कि ये पूरे मुंह में हमारी घुल जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और अब मैंने यहाँ पे लिया है दो हरी मिर्च जिसको कि लंबे टुकड़ों में काट लिया था। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मसाला हमारा चारों तरफ से इस तरीके से तेल ना छोड़ दे। अब ये तेल छोड़ दिया मसाले ने, मतलब ये पक चुका है। इसमें डालेंगे एक चम्मच दही और इसको मिक्स करके करीबन हम दो से तीन मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये चारों तरफ से अच्छे से तेल छोड़ चुका होगा, इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हम ये सारा पनीर इसमें मिक्स कर देंगे। इसको आराम से हल्के हाथों से चलाते हुए हमारी, आप देख सकते हैं ये ग्रेवी पनीर के साथ में बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालते समय इतना ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो पानी इस्तेमाल किया है उसको गर्म कर लिया था, ठंडे पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगी। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और ये मैंने डाला है कद्दूकस किया हुआ पनीर। अब डाल देंगे इसमें हरी धनिया और ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब आप इसको सर्व करिए पराठे के साथ, बटर नान के साथ, पूरी के साथ और एंजॉय करिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।